जम्मू संभाग के जिला रामबन में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत। बता दें कि आज रामबन में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक एसयूवी फिसलकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार वाहन श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहा था, तब जिले के बैटरी चश्मा इलाके में एसयूवी 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में मिनी बस चालक के द्वारा एक ही बस चालक की पिटाई का मामला आया सामने। इसके बाद ही बस चालकों ने हड़ताल पर जाकर मिनी बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला किया दर्ज। जम्मू रियासी से लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बला से आज मुलाकात करने पहुंचे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बसंत रथ। कांग्रेस के लिए आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के हैं अटकले। कलागेंद्र सोसाइटी ने आयोजित किया रंग आर्ट एग्जीबिशन, कई कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा, सबने की सराहना, भविष्य में फिर किए जाएंगे ऐसे आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोग जम्मू में भाजपा में हुए शामिल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रैना ने किया स्वागत, कहा नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस, 11 करोड़ बकाया भुगतान करने को कहा। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। इस नोटिस के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का उपयोग करने के लिए 11 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। 1 अप्रैल को आरबीआई 2000 के नोट नहीं करेगी स्वीकार, 2 अप्रैल से फिर शुरू होगी सेवा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वह खातों के वार्षिक समापन के कारण 1 अप्रैल को 2000 के नोटों को एक्सचेंज और एक्सेप्ट नहीं करेगा। आरबीआई ने कहा है कि ये सेवा 2 अप्रैल को फिर शुरू होगी। जयशंकर से मिले यूक्रेन विदेशी मंत्री, आज हैदराबाद हाउस में हुई दोनों के बीच बैठक। रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो गुलेबा गुरुवार को भारत पहुंचे, उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। शुक्रवार को उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में जयशंकर ने यूक्रेन विदेशी मंत्री का स्वागत किया। कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मारतंड सूर्य मंदिर की सुरक्षा, संरक्षण और रेनोवेशन पर चर्चा के लिए संस्कृति विभाग ने अमजी आथुर जॉन को किया आमंत्रित। लंबे समय से मंदिर के रेनोवेशन की कर रहे हैं मांग।